नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कल हुए क्रिकेट मैच के रिजल्ट के बारे में। कल कौन सी टीम के बीच मैच खेला गया था, इस मैच का रिजल्ट क्या रहा और इस मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिला, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो शुरू करते हैं। कल की मैच की डेट और वार थी 30 अगस्त 2017 बुधवार। कल मैच हुआ था बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच। यह पहला टेस्ट मैच खेला गया था। टेस्ट मैच की डेट यह है, टेस्ट मैच 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक खेला जाएगा। टेस्ट मैच का ठोस बांग्लादेश ने जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। मैच का रिजल्ट ये रहा, बांग्लादेश ने यह मैच 20 रनों से जीत लिया। अब हम आपको बताते हैं मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड शाकिब अल हसन को दिया गया। अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलियाई मैच के टोटल स्कोर के बारे में। पहले हम आपको ये बता दें कि बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 260 रन बनाए 10 विकेट खोकर और 78.5 ओवर के अंदर। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 217 रन बनाए हैं 10 विकेट खोकर और 74.5 ओवर के अंदर। वहीं पर बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में खेलते हुए 221 रन बनाए हैं 10 विकेट खोकर और 79.3 ओवर के अंदर। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में खेलते हुए 244 रन बनाए थे 10 विकेट खोकर और 70.5 ओवर के अंदर। अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर के बारे में। पहले हम आपको बताते हैं बांग्लादेश टीम के कैप्टन और विकेटकीपर के बारे में। बांग्लादेश टीम के कैप्टन और विकेटकीपर का नाम है मुशफिकुर रहीम। अब हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के कैप्टन और विकेटकीपर के बारे में। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कैप्टन का नाम है स्टीव स्मिथ और विकेटकीपर का नाम है मैथ्यू वेड। तो ये था आज के हमारा रिजल्ट। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।